एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टाइल ऑफ सोनिया में। और आ गई हूँ मैं किचन में। पूरा काम मेरा ख़त्म हो गया, नहा के मैंने पूजा भी कर लिया है। और इधर कपड़े सूख रहे क्योंकि आज बाहर बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने अंदर रस्सी लगाए थे तो उसमें भी मैंने कपड़े डाल दिए हैं। अब थोड़ा बारिश बंद हुई है ना, तो सुबह से बहुत बारिश हो रही थी। और ये देखिए दिया यहाँ पर जल रहा है। और अपने कमरे में थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अलमारी उधर कोने में पहुँच गई है, वो दरवाज़ा परमानेंट मैंने बंद कर दिया, अलमारी वहाँ पहुँच गई है। और ये वाला कोना जो है खाली हो गया है, तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी स्पेस बन गई है। और जैसे कभी सुबह सुबह ये खिड़की खोल दी तो काफ़ी अच्छा हवा आती है यहाँ पर, अच्छा वेंटिलेशन अब होगा कमरे में। और हम लोग यहाँ पर आराम से चेयर वगैरह डाल कर हम चाय भी पी सकते हैं, बाहर का थोड़ा सा व्यू भी देख सकते हैं। तो अभी तो बारिश की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा ही घास वास हो गई, उसको भी सब साफ़ करवाएंगे हम लोग। पर ये देखिए कमरे में काफ़ी स्पेस बन गई है। और गज्जू हमारी अभी तक सो रही हैं, बस बिस्तर मुझे सेट करना है क्योंकि गज्जू सो रही थी तो नहीं सेट कर पाए थे। अब उसको भी मैं उठाऊँगी। और सिद्धू यहाँ पर उठ गई हैं, अपने पापा से नेल्स कटवा रही हैं। सिद्धू चन्ना बेटा, तो ये देखिए कमरा काफ़ी स्पेस हो गई, इधर ये जगह पूरी खाली हो गई, अलमारी उधर पहुंच गई। और यहाँ के लिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैंने कुछ ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर किए हैं, इस कोने का जो है ये कॉर्नर वाली जगह है, इसको डेकोरेट करने के लिए। तो कुछ सामान मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कुछ अभी मैं करूँगी। जैसे ही वॉलपेपर इस दीवार पर मैं सोची कुछ बढ़िया सा वॉलपेपर लगा दूँ। और कॉर्नर के लिए कुछ साइड टेबल या फ्लावर पॉट वगैरह देखती हूँ। वैसे एक फ्लावर पॉट वगैरह मैं देख रही हूँ, अभी उसको ऑर्डर करूँगी। नहीं तो कोई टेबल साइड टेबल लगा के फ्लावर पॉट उस पर रखूँगी, नहीं तो जो बड़ा सा फ्लावर पॉट आता है उसको ऑर्डर करूँगी। देखती हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, उसी हिसाब से मैं ऑर्डर करूँगी। तो कुछ सामान मैंने ऑर्डर कर दिया, जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर। और जब ये वाला कोना जब पूरा डेकोरेट कर लूँगी, कमरा वमरा थोड़ा सा कुछ सामान मंगाए हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए, तो मैं सब आपको दिखाऊँगी। और फिर आप बताइए कि पहले अच्छा लग रहा था कि अब अच्छा लग रहा है। और जब हो जाएगा तो उसका भी वीडियो मैं अलग से बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने उबाल लिया है चना। तो हम लोग ने गर्म पानी नींबू वगैरह डाल के पी लिया है, चाय वगैरह अभी नहीं पी है। हस्बैंड और मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया है, सिद्धू को मैंने दूध दे दिया तो उसने दूध पी लिया है, गज्जू हमारी सोई रही है। अब मैं आ गई यहाँ पर चना बनाने के लिए। तो खीरा, चुकंदर और काटूंगी एक प्याज, तो हस्बैंड और मैं तो यही खाएंगे। और बच्चे जब उठेंगे तो उनको ब्रेड मक्खन वगैरह मैं गर्मा के दूंगी। और ये देखिए क्या हो गया, दूध मैंने उबलने के लिए रखा था, कम आँच पे रखा था, और मैं चली गई थी थोड़ा सा गर्म पानी पीने आराम से बैठ के, तो पूरा दूध उबल गया। ये देखिए पूरा वहाँ तक तो बह गया, पूरा काम बढ़ गया है। और किचन मैंने अच्छे से पूरा क्लीन किया था, ये देखो पूरा छन्नी में भी दूध लग गया है। तो जितना सोचे कि काम ख़त्म हो जाए, कम हो, उतना ही काम फैलता चला जाता है। चलिए दोबारा फिर से पूरा किचन क्लीन करना पड़ेगा, और जो नुकसान हुआ तो वही, दूध जब गिर जाता है तो बहुत दिमाग ख़राब होने लगता है। तो चलिए पहले चना मैं दे देती हूँ हस्बैंड को बना के, फिर तो उसके बाद किचन साफ़ करूँगी थोड़ा सा। और बर्तन ज़रा से हैं, बस उनको बहुत ज़रा से बर्तन हैं, उनको मैं माँजूँगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, और जैसे जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती रहूंगी। चना देखिए बन गया, चुकंदर, प्याज, खीरा, काला नमक और काली मिर्च पाउडर, और अभी नींबू डालना बाकी है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू। तो कई सारी चीज़ें डली हैं इसमें, चुकंदर, प्याज, खीरा, काली मिर्च पाउडर, नमक, नींबू, चाट मसाला, और चना और उड़द की दाल है ये। इसको मैंने दो सीटी लगा दिया था तो एकदम थोड़ा सा मुलायम हो गया है, तो ऐसे खाने में और अच्छा लगता है। तो चलिए हस्बैंड को दे देती हूँ। लीजिए।
किचन साफ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। हस्बैंड के कपड़े मुझे धुलने हैं हाथ से, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि उनके हस्बैंड के कपड़े मैं मशीन में नहीं धुलती, हाथ ही से धुलती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़ों को थोड़ी देर के लिए डिटर्जेंट में भिगो के रख देते हैं, जब तक कपड़े थोड़े से फूलेंगे, मैल कटेगी इनकी, तब तक मैं बर्तन मांज लूँगी, उसके बाद फिर साबुन लगा के मैं कपड़ों को अच्छे से मल के रगड़ के साफ कर दूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने कपड़े भिगो दिए, अब मैं जा रही बर्तन मांजने के लिए। यहाँ पे किचन देखिए पूरा क्लीन हो गया है, एकदम चमक रहा है, सब काम ख़त्म हो गया। अब मैं धुलूंगी हस्बैंड के कपड़े, तो मैं कपड़ा बाहर आंगन में बैठ के ही साफ करूँगी, क्योंकि अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी और थोड़ी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो मैं आंगन में बैठ के कपड़े धुल लूँगी, और देखिए बर्तन को बाद में मैं स्टैंड पर लगाऊँगी। वो किचन पूरा साफ़ हो गया, दूध गिरने से जो है काफ़ी काम बढ़ गया था, तो पूरा मैंने साफ़ किया है, डब्बे भी सारे पोंछ लिए अच्छे से। हस्बैंड के कपड़े धुलने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे बच्चों को तैयार करने के लिए। तो इन लोग को मैंने नहला दिया था, अब क्रीम लगा के इन लोग को तैयार कर दिया है मैंने, और कंघी भी कर दी है। उसके बाद फिर मैं करूँगी अब दिन के खाने की तैयारी। ये देखिए हस्बैंड का कपड़ा मैंने अंदर डाल दिया है, क्योंकि बाहर बारिश खूब तेज़ हो गई। जरा एक बार मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये जो मैंने अंदर रस्सी लगाई थी, तो ये काम आती है बारिश के मौसम में, सारे कपड़े मैंने अंदर डाल दिए। बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो लिया भूल गया, भीग गई क्या? ये देखिए बारिश कितना तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। छाते पीछे टंगा देखिए दरवाजे को। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कैमरे में उतना नहीं पता लग रहा, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश का थोड़ा सा नज़ारा देखने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधे फिर से किचन में अपने, और मैं करने जा रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, वेज बिरयानी। तो टमाटर वगैरह तो है नहीं, बगैर टमाटर के वेज बिरयानी बनाऊंगी मैं। और तो मैंने आलू वगैरह काट लिया है, प्याज मिर्चा सब कुछ काट लिया है, लहसुन काट लिया, और मेरे पास बिरयानी मसाला भी रखा हुआ था, तो उसी को डालूंगी। और उससे पहले भी मैंने एक बार जब बिरयानी बनाई थी, तो मैंने वही बिरयानी मसाला डाला था, तो बहुत अच्छा बना था ये। तो मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया बिरयानी मसाले को पैकेट से फाड़ के, कि फटाफट मेरा काम हो जाए। और मैं कुकर में ही बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया लंच का, 2 बजने वाले हैं। और साथ में बनाऊंगी थोड़ी सी रोटी, क्योंकि कल रात में पनीर की सब्जी बनी थी, तो वो थोड़ी सी पनीर की सब्जी बची थी, तो थोड़ी सी रोटी सेक लूँगी और बिरयानी बना रही हूँ। तो एकदम बढ़िया से लंच तैयार हो जाएगा, परफेक्ट लंच बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रोटी सेकना मैंने शुरू कर दिया है, तब तो चावल बिरयानी में सीटी आएगी, तब तो मेरी रोटी सेक जाएगी, और फिर हम सभी लोग मिलकर साथ में लंच कर लेंगे। शाम का टाइम, दिन में खाना खा के मैं थोड़ा सा सो गई थी, अब थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, शाम हो गई है, चाय बनाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड ले आए हैं यहाँ पे बड़ा शीशा, मैंने ही मंगाया था ये बड़ा शीशा, और ये शीशा मैं लगाऊंगी यहाँ पे, और इस शीशे को मैं शिफ्ट कर दूंगी बाथरूम में। तो बेटा आवाज़ कम करो टीवी की थोड़ी सी,
इसे तो थोड़ा सा मैं चेंज अपने रूम में कर रही हूँ। जब पूरा रूम जैसे मैंने सोचा उस हिसाब से थोड़ा बहुत भी डेकोरेट हो गया तो मैं पूरा रूम आप लोगों को दिखाऊंगी, पर अभी नहीं, उसमें कुछ दिन अभी थोड़ा सा लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये देखिए इतना बड़ा शीशा मैंने मंगाया है और एकदम सिंपल शीशा है। तो एक भैया इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया गया, वो शीशा उधर लगाएंगे, आ गए हैं। और मैंने डोर बेल भी लगवा लिया क्योंकि ये दरवाजा मैंने परमानेंट बंद कर दिया, इधर वाला दरवाजा परमानेंट बंद कर दिया है, तो सामने वाले दरवाजे से कोई खटकाता है तो जल्दी सुनाई नहीं देता, इसलिए डोर बेल होना बहुत ज़रूरी था, तो वो भी मैंने मंगा लिया है। डोर बेल लग गई है अभी नहीं बेटा, ये दिवाली में बल्ब लगता है, फिर दिवाली में बल्ब लगता है बाबू। तो चलिए शीशा लगवा लेती हूँ मैं, यहाँ पे शीशा लगने जा रहा है। हाँ जैसे बीच में एक कील सपोर्ट के लिए, कितना अच्छा लग रहा है ना गज्जू, शीशा कितना अच्छा लग रहा है। वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शीशा कैसा लग रहा है। देखिए ये बड़ा शीशा मंगाने का मेरा रीज़न ये है कि अलमारी है ना, तो ये दक्षिण दिशा में हम लोग की अलमारी हो गई है, तो हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है इस तरफ मुंह करके मेकअप नहीं करना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए औरतों को, औरतों क्या किसी को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा है। तो इसी वजह से मैंने ये बड़ा शीशा मंगाया तैयार होने के लिए, और ये अलमारी मैंने इसलिए इधर रखा क्योंकि जगह काफ़ी बन गई है कमरे में, तो ये काफ़ी स्पेस बन गया है। और ये अपना ये अलग कोना जो है मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना है अपने वीडियोस अच्छे बनाने के लिए। और देखिए सीलन आप देख ही रहे होंगे दीवारों में कितनी सीलन है, तो इसके लिए मैं वॉलपेपर मंगा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ भी सीलन है, तो इतना पेंट होने के बावजूद भी सीलन हो ही रहा है, उसका कोई उपाय नहीं है। और तो इस कोने के लिए वॉलपेपर मंगाऊंगी थोड़ा सा कि मेरी वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा दिखे। और प्लीज़ शीशा आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर और लंबा भी है काफ़ी, पूरा इसमें लुक दिखेगा। अगर आप तैयार होंगे तो आपको पूरा लुक अपना इस शीशे में आराम से दिख जाएगा। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, पतिदेव चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हम लोगों ने चाय पी लिया, चाय पीने के बाद थोड़ी सी टीवी देख ली, उसके बाद मैं आ गई डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर में आज मैं बनाऊंगी लौकी वाली चने की दाल, वो भी बगैर टमाटर के, क्योंकि आजकल अधिकतर सब्जी बगैर टमाटर की ही बन रही है, और दाल भी मैं बगैर टमाटर की बनाऊंगी ये लौकी वाली। और चाय भी बगैर अदरक के बन रही है इस समय चाय, और बगैर अदरक की चाय अच्छी नहीं लग रही, जब तक चाय में अदरक ना हो तब तक चाय में मज़ा नहीं आता है, पर मजबूरी क्या करें, इतना महंगा है अदरक, तो टमाटर से भी ज़्यादा महंगा है, तो इस वजह से खाना बगैर टमाटर के, चाय बगैर अदरक के ही आजकल चल रहा है, और अधिकतर घरों में ऐसा ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए लौकी मैंने काट लिया है, बारीक बारीक लौकी काट ली है, और बनाऊँगी चने की दाल। और यहाँ पर थोड़े से चाय वाले बर्तन और दिन के खाने के थोड़े से बर्तन हैं, तो मैं सोच रही कि पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, जब तक दाल में सीटी आएगी तब तक फटाफट बर्तन मान लूँगी, फिर दाल में तड़का लगाऊंगी और रोटी सेकूंगी और थोड़ा सा चावल बनाऊंगी। और होंठ पता नहीं क्यों मेरे फट रहे इतने ज़्यादा, ये देखिए दिख रहा होगा आप लोग का, लिप बाम लगाया है तब भी थोड़ा पता नहीं क्यों फट ही रहा है। तो चलिए फटाफट मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, फ़ोन को लगा देती हूँ ट्राईपोर्ड पर, और फटाफट बर्तन मान लेते, खाना बना लेते, फिर आराम करेंगे क्योंकि संडे के दिन बहुत काम पड़ जाता है और ज़्यादा थकान होने लगती है। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ मैं।
मेरा पूरा बन गया है और गर्मी से देखिए चेहरे की हालत कैसी हो रही है। तो खाना पूरा बन गया है, हम लोग जाएंगे खाना खाने। और यहाँ पे देखिए इस कुकर में चावल है, यहाँ पे मैंने रोटी भी सेक लिया है, ये थोड़ा सा प्याज काट लिया है, तो यहाँ पे दाल भी मेरी बनके तैयार है। देखिए तो यहाँ पे चने की मसाले वाली दाल बन गई है। तो इसका मैं वीडियो व्लॉग में मैंने नहीं बनाया, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप लोगों को देखना है कि दाल मैंने कैसे बनाई है बगैर टमाटर की। तो मेरे शॉर्ट वीडियो पर आप जाके देख लीजिएगा, वो भी मैं एडिटिंग करके और अपलोड कर दूँगी। और चेहरा देखिए कैसा लग रहा है, इतना पसीना पसीना चेहरे पर हो रहा है। तो मैं जाऊँगी, हम लोग खाना निकाल रही हूँ, सब लोग खाना खाएँगे, तो थोड़ा एसी में हवा खलूँगी, क्योंकि बहुत चेहरा जल रहा है, गर्मी से हालत ख़राब है। बारिश आज हुई है तो उसके बावजूद भी इतनी गर्मी, एकदम चिपचिपी वाली गर्मी है, और ऐसी ही गर्मी तो और ज़्यादा खतरनाक होती है। चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम भी हो गया डिनर का। खाना हो गया था, फिर मैंने बच्चों को दूध भी दे दिया थोड़ी देर बाद, और किचन में पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया है, बर्तन थोड़े से हैं तो उनको कल सुबह ही मांजूंगी, क्योंकि देर हो गया है। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली है, बच्चों ने अपनी जगह पकड़ लिया, हस्बैंड भी लेट गए हैं, अब मैं भी जाऊँगी सोऊँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, मंदिर भी जाना है, क्योंकि कल सावन का सोमवार है, और ये पड़ रहा है शायद चौथा सोमवार है, ये सावन का ही चौथा सोमवार है। तो चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आज के ब्लॉग मेरा आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।